टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के शुरू होने से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में T20 में अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल साफ कहा था कि फिलहाल वो T20 खेलते रहेंगे और इस फॉर्मेट से उनका संन्यास का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक दिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ और इस टीम में रोहित और विराट कोहली दोनों का इनाम नहीं। एक तरफ कप्तान कह रहे हैं कि वो T20 खेलते रहेंगे और दूसरी तरफ BCCI का रुख कुछ और ही नजर आ रहा है। इससे पहले रोहित विराट को श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी टीम में नहीं चुना गया था। तब तो रोहित के चोट से पूरी तरह रिकवर नहीं होने की वजह से ये बात टल गई कि BCCI ने अब T20 फॉर्मेट में रोहित विराट दोनों से आगे बढ़ने का मन बना लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम से इन दोनों की गैर मौजूदगी ने BCCI के रुख पर मुहर लगा दी है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध थे। तो अब ऐसा माना जा सकता है कि BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की T20 टीम से हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। रोहित विराट अब वनडे टेस्ट खेलेंगे। रोहित विराट को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नहीं चुना जाना यह साफ संकेत देता है कि BCCI इन दोनों खिलाड़ियों को अब वनडे और टेस्ट के लिहाज से ही देख रही है। इस साल वनडे विश्व कप भी होना है, ऐसे में BCCI की यही सोच है कि रोहित विराट वनडे फॉर्मेट पर ही फोकस करें और हार्दिक पांड्या की अगुवाई में 2024 के T20 विश्व कप के लिए नई टीम इंडिया तैयार की जाए। रोहित विराट की T20 टीम से परमानेंट छुट्टी। इस मामले में सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा और विराट कोहली का भारतीय T20 टीम से विदाई स्थायी है। इस मामले में BCCI के एक सोर्स ने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली का भारतीय T20 टीम से विदाई स्थायी है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और 2024 T20 विश्व कप के लिए नई योजना बनानी है। दुर्भाग्य से वो हमारी भविष्य की T20 योजना में फिट नहीं होते हैं। रोहित ने T20 में आगे खेलते रहने की कही थी बात। अब सवाल यह है कि जब रोहित ने ये कहा था कि वो T20 फॉर्मेट में खेलते रहना चाहते हैं, तो फिर क्यों BCCI ने कदम उठाया? इस पर BCCI के एक अधिकारी ने बताया है, हम उनका भविष्य कैसे तय कर सकते हैं? सेलेक्टर केवल भारतीय क्रिकेट के भले के लिए टीमों का चयन करते हैं। रोहित विराट और अन्य अपने भविष्य के बारे में फैसला लेने और बोलने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। क्यों हुआ ये फैसला? रोहित विराट का स्ट्राइक रेट कम। ऐसा नहीं है कि विराट और रोहित T20 में रन नहीं बना रहे। 2022 में सूर्य कुमार यादव 1164 के बाद विराट कोहली 781 और रोहित शर्मा 656 रन बना चुके हैं, लेकिन मसला स्ट्राइक रेट का है। जहां सूर्य कुमार ने 1164 रन 187 के स्ट्राइक रेट से बनाए, वहीं रोहित का स्ट्राइक रेट 134 और विराट का 138 था। T20 विश्व कप के दौरान रोहित भारत को तेज शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे थे। वो 35 बरस के हो चुके हैं और अगले T20 विश्व कप तक 36 साल के हो जाएंगे। ऐसे में सेलेक्टर्स ने भविष्य की T20 टीम तैयार करने के इरादे से इन दोनों दिग्गजों से किनारा किया है। यानी साफ है कि अब T20 में हार्दिक राज का आगाज हो गया है। उनकी कप्तानी में भारत अब तक कोई T20 सीरीज नहीं हारा है। हार्दिक की अगुवाई में भारत ने हाल ही में श्रीलंका को T20 सीरीज में हराया था।